नमस्कार, कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम श्रावण अमावस्या के पावन अवसर पर पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली व घर परिवार में सुख समृद्धि प्रदान करने वाले गीता के साथ में अध्याय का महात्म्य लेकर आए हैं। महात्म्य सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, इसका महात्म्य सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने पार्वती को सुनाया था, उसे ध्यान पूर्वक सुने। शिव बोले, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें सातवें अध्याय का महात्म्य सुनाऊंगा, जिसे सुनने मात्र से कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है। इस नगर का द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंखकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत सा धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों को तर्पण किया और न कभी देवताओं का पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर सिर्फ राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के उद्देश्य से अपने बंधु बांधवों के साथ यात्रा पर जा रहा था। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था कि एक विषैले सर्प ने उसे डस लिया। उस सर्प के काटते ही उसकी ऐसी अवस्था हो गई कि उस पर किसी भी प्रकार के मंत्र और औषधि का असर न हुआ और उसकी मृत्यु हो गई और वह सर्प योनि को प्राप्त हो गया। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को याद कर सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में धन गाड़ रखा था, उसे अपने पुत्रों से वंचित कर स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा, और वह अपने धन की रक्षा करने लगा। एक दिन वह अपने सर्प योनि से पीड़ित होकर अपने पुत्रों को रात में स्वप्न दिया कि मैंने घर के बाहर बहुत सा धन गाड़ रखा है, वह तुम सब आपस में बांट लो। सुबह सभी पुत्र उठे और स्वप्न की बात एक दूसरे से कही। तब मजला पुत्र कुदाल लेकर घर से निकला और जहां पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया और स्वप्न स्मरण कर जगह का निश्चय कर बामी को खोदना आरंभ कर दिया। तब उस बामी से एक भयानक सर्प प्रकट हुआ और बोला, हे मूर्ख, तू कौन है और यहाँ किस लिए आया है और तू मेरा बिल क्यों खोद रहा है? तुझे किसने भेजा है? ये सारी बातें पहले मुझे बता। सर्प की बात को सुनकर वह बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैंने रात में देखे स्वप्न से विस्मित होकर स्वर्ण लेने यहाँ पर आया हूँ। पुत्र की वाणी को सुनकर सर्प जोर जोर से हंसने लगा और उच्च स्वर में स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो शीघ्र ही मुझे इस योनि से मुक्ति करा। मैं पूर्व जन्म में गाड़े हुए धन के कारण ही सर्प योनि को प्राप्त हुआ हूँ। तब वह पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति किस प्रकार होगी, वह उपाय मुझे बताएं। तब पिता रूपी सर्प बोला, गीता के अमृतमय सातवें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में दान तप तीर्थ कोई भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का सातवां अध्याय प्राणियों की जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। अतः तुम मेरे श्राद्ध के दिन गीता के सातवें अध्याय का पाठ करा, ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन करा, दक्षिणा सहित विदा करना, जिससे निसंदेह मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अपनी सामर्थ्य के अनुसार वेद विद्या में प्रवीण अनेक ब्राह्मणों को भी तुम भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े पिता के ऐसे वचन सुनकर उसके पुत्रों ने पिता के वचन अनुसार उससे भी अधिक किया। तब शंखकर्ण ने अपने सर्प के शरीर को
त्याग दिव्य देह धारण कर सारा धन अपने पुत्रों के अधीन कर वैकुंठ धाम चला गया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन दिया था उससे उसके सदाचारी पुत्रों ने कुआ, बावड़ी, पोखरा, देव मंदिर आदि धर्म के कार्यों में धन का सदुपयोग किया। अनेकों अन्नशालाएं खुलवाई और सभी ने निरंतर सातवें अध्याय का पाठ कर मोक्ष की प्राप्ति की। भगवान शिव बोले, पार्वती, यह तुम्हें सातवें अध्याय का महात्म्य बतलाया था। इसके श्रवण मात्र से मानव सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। दर्शकों, यह थी मोक्ष प्रदान करने वाला गीता का सातवां अध्याय का महात्म्य। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।